ये उत्सुक गई कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम डे वीडियो। तो कई सारे जो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में पुलिस वालों ने लेस्टर को अरेस्ट कर लिया था और उसको बचाने के चक्कर में माइकल और ट्रेवर का कार से बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया था। अब यार देखो उसके बाद में कुछ कर नहीं पाया क्योंकि माइकल बेहोश हो गया। तो यार मुझे लग रहा था कि अभी पुलिस मुझे पहले हॉस्पिटल लेकर जाएगी फिर उसके बाद जेल ले जाएगी, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी यार जितनी भी पुलिस है ना उन सभी को बिग माफिया के बेटे ने पैसे देकर अपने अंडर कर लिया है। यानी कि जितनी पुलिस टाइम पर वहां पर थी जिन्होंने माइकल और ट्रेवर को अरेस्ट करा वो सारी की सारी इस टाइम जो है बिग माफिया के बेटे के अंडर काम कर रही है और पहले से भी बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स थे जो उसके नीचे काम कर रहे थे। अभी फिलहाल ये लोग ना मेरे को लास्ट टाइम अपने सीक्रेट बेस में लेकर आ गए थे जेल ले जाने के बजाय, और यहां पर ना ये लोग मतलब कि एक टाइप से ना हमें बहुत ही ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये लोग हमें कह रहे हैं कि हम लोग तुम्हें मार देंगे अगर तुम्हें बचकर यहां से जाना है तो तुम हमारे लिए काम करो। तो बिग माफिया के बेटे के पास हम लोग चलते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से काम है जो वो हमें करने के लिए बोल रहा है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना हम लोग फटाफट से चलते हैं सीधा बिग माफिया के बेटे के पास। और यहाँ पर ना बिग माफिया के बेटे ने इन लोग को बोल रखा है कि हमेशा ना माइकल के मुंह के ऊपर ना एम ऐसे रख के रहा करो, मतलब कि उसे भी पता है कि माइकल जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और भाई मैं कहीं पर भी चले जाऊं, चाहे बाहर चले जाऊं, चाहे अंदर आ जाऊं, चाहे अपने पर्सनल रूम में आ जाऊं, तब भी ये लोग जो है मेरे ऊपर एम हमेशा लगा के रखते हैं, वो भी हेड पर M416 का। तो भाई देखो अभी मैं कुछ भी पंगे वंगे नहीं ले सकता क्योंकि ना ही मेरे पास इस टाइम पर आर्मर है और ना ही मेरे पास कोई भी वेपन्स है, मतलब कि अभी मैं यहां पर बिग माफिया के बेटे से कोई भी पंगा नहीं ले सकता और अगर मैंने पंगे लेने की गलती करी तो भाई ये लोग मुझे मारेंगे बहुत ही बुरे वाला। तो गाइस यार जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि बिग माफिया के बेटे ने हमें बोला था कि तुम लोग को ना मेरे लिए दो काम करने हैं और वो जो काम है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसकी पूरी की पूरी टीम भी यहां पर मिलकर उस काम को करने में 2 से 3 बारी फेल हो चुकी है और अगर वो काम हम लोग सक्सेसफुली कर देते हैं तो जो बिग माफिया का बेटा है वो हमें यहां से छोड़ देगा, यानी कि हम तीनों को ना यहां से जाने देगा। यार बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि तुम ना काम करो बिग माफिया के बेटे को मार दो, बट यार देखो मारना इतना ज्यादा आसान नहीं, अपने पास वेपन्स भी नहीं है और साथ में उसके पास यार इतनी बड़ी फोर्स है कि हम लोग यार मार तो देंगे फिर यार मार के ना हम लोग यहां से भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि सारे के सारे रास्ते सारे के सारे टनल बंद है और यार मुझे मालूम भी नहीं है कि वो कहां से खुलती है। और ये देखो मतलब ये सारे गार्ड्स ने मेरे पीछे परमानेंट लगा दिया जो कि हमेशा मेरे पीछे पीछे आएंगे ताकि मैं कोई भी चलाकी करने की कोशिश ना कर सकूं। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना मैं जल्दी से यहां पर बिग माफिया के बेटे से बात कर लेता हूं और इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि आखिरकार कौन से वो दो काम है जिसको करने के बाद ये हम तीनों को यहां से छोड़ देगा। और इस तरफ में देखो एक बंदे की बॉडी गिरी पड़ी है, पता नहीं इन लोगों ने इसको भी क्यों मारा है। खैर छोड़ो ये बात की बात, अभी इससे जल्दी से मैं बात कर लेता हूं। तो चलो गाइस यार अभी ना सीधा हम लोग जाने वाले हैं लेस्टर के पास क्योंकि ना यहां पर इसने लेस्टर को लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट सब कुछ दे दिया है ताकि ना लेस्टर जो है आराम से हैकिंग कर पाए। और यहां पर ना अभी मतलब कि मेन इसको लेस्टर के बारे में भी सब कुछ पता है कि लेस्टर बहुत बड़ा हैकर था, मतलब यार एक चीज देखी जाए ना तो जो बिग माफिया का बेटा है उसके अंदर ना बिग माफिया से भी ज्यादा दिमाग है। तो यहां पर ना अभी पता नहीं इसने लेस्टर कौन से वाले रूम में रखा, तो वो देखो भाई सामने वाले रूम में ही लेस्टर को इसने रखा हुआ है। और अगर मैं इस वाले रूम के अंदर जाऊं तो यहां पर देखो भाई ट्रेवर अपना सोने में मस्त हो रखा है। खैर छोड़ो जो भी है, यहां पर इसके लिए भी ना इन्होंने दो दो गार्ड्स रखे हुए। तो ये देखो ये मेरे को बुलाने आ गया, उधर वाले रूम में नहीं इधर वाले में। तो भी ना जल्दी से मैं इस वाले रूम के अंदर चलता हूं। और ये देखो मतलब कि जो बंदा चलाकी कर सकता है ना उस बंदे के ऊपर यहां पर इसने मतलब कि एकदम हेड पे उसके एम करवा रखा है ताकि लेस्टर यहां से भागने की कोशिश करे तो सीधा उसकी गोली बच जाए। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को बिग माफिया का बेटा ये कह रहा है कि ना इसने सारी की सारी जो बात है वो लेस्टर को बता दिया कि क्या करना है, अब कैसे करना है वो लेस्टर मुझे बताएगा। तो अभी ना जल्दी से हम लोग लेस्टर से बात कर लेते हैं। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो गई है और लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया कि आखिरकार मुझे करना क्या है। और यार ये जो काम है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मतलब कि एक टाइप से डू और डाई है, करो या मरो वाली सिचुएशन अभी हो चुकी है। तो देखो भाई अभी काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखो गाइस यार मैं आपको बता दूं कि आखिर मुझे करना क्या है। तो आपको पता होगा जो लॉस सैंटोस में डायमंड कैसीनो है ना उसके बेसमेंट में यानी कि उसके लॉकर में ना कुछ पेंटिंग्स पड़ी है जो कि हमें चुरा के लानी है। अब यार देखो उसको चुराना ना इतना ज्यादा आसान नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और वो जो पेंटिंग है यानी वो जो श्राउड है ना उसका इंटरनेशनल मार्केट में $1 बिलियन का प्राइस है। $1 मिलियन नहीं बोल रहा हूं, उस टाइम पर मैं बोल रहा हूं $1 बिलियन। तो अभी ना लेस्टर ने मेरे मोबाइल फोन में एक ना हैकिंग की एप्लीकेशन भेज दिया है जो कि ना वहां के लॉक्स तोड़ने में काम आने वाली है। लेकिन यार ये मुझे कह रहा है कि ना जल्दी से जहां जहां मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूं वहां वहां पर जाते जाओ। और यहां पर ना इन्होंने मेरे को यहां से बाहर निकलने की परमिशन भी दे दी है। तो अभी ना मैं जल्दी से यहां से सीधा बाहर निकल लेता हूं और अभी मैं जाने वाला हूं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। वहां पर जाकर ये जो काम है ये जो मिशन है मुझे कंटिन्यू करना है। और यार ये कैसी सी गाड़ी है, मतलब पीछे की तरफ में इतनी तेज जा रही है और आगे की तरफ में उतनी धीरे चल रही है। और भाई देखो ये जो काम है ना मुझे करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि यहां से मैं भागने की क्यों नहीं सोच रहा हूं, तो देखो यार हर रास्ते में हर जगह पर यहां पर सोल्जर्स ही सोल्जर्स खड़े हुए हैं और जहां पर सोल्जर्स नहीं भी है ना तो वहां पर कहीं ना कहीं छुपा कर बहुत ज्यादा छुपा कर CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं। तो यार भागना एक टाइप से
इम्पॉसिबल है। फिलहाल अभी मैं अपनी गाड़ी भगाते टनल से तो बाहर निकलने वाला हूँ। और यार ये जो जगह है कितनी ज़्यादा अजीब सी नहीं लगती, मतलब कि ना मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा ना एक डरावनी सी फील आती है। तो ओके गाइस, यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा दूर भगाते लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पर ये है इस जगह की एग्जिट, तो यहाँ से ना मुझे इन लोग से ये वाला गेट खुलवाना पड़ेगा और मैं फटाफट जो है यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जल्दी से इनसे वाला गेट खुलवाते हैं और यहाँ से हम लोग सीधा निकल लेते हैं बाहर। तो ओके गाइस, यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फिलहाल मैं इस जगह से जो है बाहर निकल चुका हूँ। और आपको लग रहा होगा यार ये कैसा सा गेट इन्होंने बना रखा है, और जिन्होंने लास्ट एपिसोड में देख लिया होगा उन्हें तो मालूम ही होगा कितना ज़्यादा अजीबोगरीब इनका गेट है। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी मैं जल्दी से यहाँ पर ये जो अपनी बाइक है ना इसको भगाते निकल लेता हूँ। मुझे पता है ये बाइक नहीं होती, बट यार इस गाड़ी का ना मैं नाम भूल गया यार, आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना। मेरे को अच्छे से नाम था इस गाड़ी का याद, बट यार अभी मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा। और सामने की तरफ में देखो पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर यहाँ पर घूम रहा है, पता नहीं किसी चोर को पकड़ने आए होंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी यार मुझे ना अभी फालतू के काम बिल्कुल नहीं करने। मतलब पुलिस यहाँ पर क्यों घूम रही है, मेरे पीछे कोई नहीं घूम रहा, टेंशन मत करो। लेकिन अगर देख लेंगे तो घूमने में ज़्यादा टाइम भी लगने नहीं वाला। यहाँ पर बेचारे इस बंदे के पीछे पड़े हुए हैं और वो गाड़ी से बेचारा यहाँ पर भागे जा रहा है। काम करता हूँ मैं साइड से निकल लेता हूँ, पता लगे मेरी गोलियाँ पड़ने लग जाए अभी थोड़ी देर में। तो अभी गाइस यार मुझे जाना सीधा लॉस सैंटोस, तो अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बिना लॉस सैंटोस के लिए निकल लेते हैं। तो ओके गाइस, यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी ईटीवी बाइक को जो है भगाता लॉस सैंटोस पहुंचने वाला हूँ। और अभी तक मुझे इस गाड़ी का नाम नहीं याद आ रहा था, बट अभी मुझे याद आ गया। अब यार ये जो गाड़ी है ना सच्ची में बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पीड से भी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी चल रही है। तो अभी ना लेस्टर का मुझे फ़ोन आया था और लेस्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें ना अपने घर पर नहीं जाना, तुम्हें एक एरकेड शॉप पर जाना है, उसके बेसमेंट में जाना है, क्योंकि ना वहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं जिनके पास एक और कंप्यूटर है जिसके अंदर वो लोग हैकिंग वगैरह करते हैं। तो वहाँ से मैं लेस्टर से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, मतलब वहाँ पर जाकर मेरी लेस्टर से जो कॉन्टिन्यूसली बात भी होती रहेगी और साथ के साथ वहाँ पर वो मुझे पूरा का पूरा प्लान भी बताते रहेगा कि मुझे क्या करना है। तो अभी जल्दी से मैं उस एरकेड शॉप पर चलता हूँ, उसकी बेसमेंट में, और देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए कहा था। तो अभी जल्दी से मैं काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ना था, और भाई साहब इतनी जबरदस्त टक्कर पड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को राइट मोड़ता हूँ और यहाँ पर ना काम करता हूँ, वहाँ पर जाने से पहले ना अपने कपड़े बदल लेता हूँ। मेरे को अपने कपड़े ना इस टाइम बहुत ज़्यादा पुराने और बेकार से लग रहे हैं, मतलब कि यार ये गैंगस्टर वाली लुक नहीं आ रही है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं मैडम जी की शॉप पर आ गया हूँ और यहाँ पर इनके पास कोई ढंग की टी शर्ट यहाँ पर थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, तो इसके अंदर मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर ये वाली टी शर्ट पहन लेते हैं यार, अभी मैं अपने ज़्यादा कपड़े नहीं बदलने वाला, यही नॉर्मल जो लुक है ये भी ठीक लग रही है। तो अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट एरकेड शॉप के लिए निकल लेते हैं। अब यार देखो कपड़े ना बाद में भी खरीदेंगे महंगे, लेकिन यार अभी ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम, तो पहले काम पर ध्यान देंगे, फिर हम लोग बाद में कपड़े बदलेंगे, ऐश मारेंगे, चिल करेंगे जब ये वाला जो मिशन है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलो गाइस, यार अभी फिलहाल मैं अपनी ईटीवी भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा एरकेड शॉप पर जहाँ पर मुझे लेस्टर ने जाने के लिए कहा था। बस यार मुझे अपनी गाड़ी को यहीं पर रोक लेना। भाई साहब सच्ची में अपनी ईटीवी ना यार कुछ ज़्यादा ही सुपर फास्ट है। तो देखो भाई ये है वो एरकेड शॉप जहाँ पर मुझे लेस्टर ने आने के लिए कहा था। मुझे पता है गंजे तेरे हल्की सी चोट लगे, लेकिन उसके लिए इतनी तेज मुक्का मारने की क्या जरूरत है, सॉरी मैं बोलने जा रहा था, लेकिन भाई साहब इस मोटे को पिटाई ज़्यादा जरूरी चाहिए थी। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने इसको मार दिया। तो देखो भाई अभी ना मेरे को इस शॉप के अंदर आने के लिए लेस्टर ने बोला था। अब यार देखो इस शॉप के अंदर ना लेस्टर ने अपना पूरा का पूरा सेटअप कर रखा है, उसने मेरे को इस जगह के बारे में बताया था, बट यार मैंने ना कभी भी आके एक्सप्लोर नहीं करा है। तो भी ना जल्दी से हम लोग अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सारे के सारे बंदे अपना गेम खेलने में लगे पड़े हैं। सामने की तरफ में कुछ बियर वियर चल रही है, वाइन वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पर। तो लेस्टर ने मुझे कहा था तुम्हें मैनेजर ऑफिस में जाना है और वहाँ पर ना तुम्हें एक बॉक्स दिखेगा लेस्टर स्पीक का, तो उसके अंदर तुम्हें एक कॉइन डालना है और फिर जो तुम्हारा बेसमेंट का गेट है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो ये देखो भाई, मतलब कि लेस्टर ने ना यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ें जो है बना रखी है। तो अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं नीचे बेसमेंट में चलता हूँ। तो यार देखो ये जो जगह है ना आपको भी याद आ गई होगी, यहाँ पर ना पहले टेररिस्ट रहा करते थे, तो लेस्टर ने उनको मरवा दिया था, मतलब कि हम लोगों ने जाके मारा था और उनकी गाड़ी भी चुरा ली थी। और देखो भाई ये है लेस्टर का कंप्यूटर सेटअप जहाँ पर वो अपनी हैकिंग वगैरह करता है। और अभी ना कुछ ब्लैक ऑप सोल्जर है जो कि लेस्टर के लिए काम करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे अभी भी अपना काम करने में लगे पड़े हैं। तो यार देखो इनके ऊपर ध्यान देने में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, अभी जल्दी से मैं जाने वाला हूँ आगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये है वो पूरी का पूरा प्लान जो कि लेस्टर ने हमें समझाया है। तो अभी जल्दी से देखते हैं क्या करना है। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग सामने वाले बोर्ड पर देख पा रहे हो, अभी ना इधर पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि हमें क्या करना है। तो देखो यार सबसे पहले ना हमें हैकिंग डिवाइस का सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद भी तीन से चार चीज़ें जो कि हमें करनी है तभी हम लोग अपने मिशन पर जा पाएंगे। मतलब कि यार जब भी पहले हम कोई रॉबरी वगैरह करते थे ना, तो उससे पहले लेस्टर यार बहुत ज़्यादा सेटअप करता था, तो अभी जो है हमें ये काम खुद करना पड़ेगा। तो अभी यार फटाफट ना मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और यहाँ से बाहर निकलने का ना पीछे से भी एक रास्ता है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं।
तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ पीछे वाली तरफ से, तो चलो यार यहाँ पर ना मुझे अभी ना देखो लेस्टर का भी कॉल आ गया है। वो लेस्टर ना देखो मुझे ना हेडफोन पर सब कुछ बताते रहेगा और हमारी जो कन्वर्सेशन है ना वो मतलब कि चलते रहेगी पूरे टाइम। मतलब कि अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो उसको लेस्टर ठीक कर देगा, ये मत करो ये करो। तो अभी ना फटाफट से लेस्टर ने हमें बोला कि FIB बिल्डिंग में जाओ और लिफ्ट पकड़ो, ऊपर वाले फ्लोर पर जाओ, वहां पर ना मतलब जो सिक्योरिटी वगैरह होगी उससे उसकी बात होगी, वो लोग कुछ भी नहीं कहने वाले। और आपको पता होगा लेस्टर की ना मतलब FIB वालों से अच्छी खासी बातचीत चलती है। तो भी ना जल्दी से हम लोग सीधा FIB बिल्डिंग चलते हैं और वहां पर जाकर इसने जो सेटअप करने के लिए बोला है वो जल्दी से हम लोग कर आते हैं। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक भगाते भगाते FIB बिल्डिंग पहुंचने वाला हूं। तो यार देखो मैंने ना थोड़ा सा गलत रूट पकड़ लिया था, मुझे ना इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर जाना था लेकिन अभी मैं थोड़ा गलत रास्ता पकड़ने की वजह से नीचे से आ चुका हूं। तो यहां पर ना मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट रास्ता है जो कि सीधा FIB बिल्डिंग के बाहर निकलता है। तो यहां पर ये जो मेज बैंक टावर है ना इसके मतलब कि पूरी पूरी सीढ़ियों से चढ़ाकर मैं जाने वाला हूं और जो पीछे वाला रोड है ना वहां से निकल जाता है वाला रास्ता। तो मतलब ये पैदल लोगों के लिए गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए नहीं है। लेकिन यार देखो अभी अपने आप को ना भाई बहुत ज्यादा जल्दी है तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, इसलिए जो भी शॉर्टकट रास्ता है मैं वहीं से जाने वाला हूं, चाहे बीच में बंदे आए या फिर बीच में पुलिस वाले आए। तो अभी फिलहाल यहां पर तो मैं पहुंच चुका हूं, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करता हूं। और इनके ना मैंने $2 मिलियन भी ऑलरेडी पे कर दिए थे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी आज ना FIB वालों की छुट्टी है तो मतलब यहां पर बस सिक्योरिटी है और यहां पर कोई भी एम्प्लॉय वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले मैं सीधा इनकी लिफ्ट में जाना है और बाकी यार लेसर की बातचीत तो आई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहां पर ये वाली लिफ्ट काम कर रही है तुम्हारी, चलो भाई अच्छी बात है लिफ्ट तो काम कर रही है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं यहां पर 49th फ्लोर पर आ चुका हूं, जल्दी से ना मैं इनके ऑफिस में चलता हूं। और यहां पर ना मेरे को कैसीनो के स्कीमेटिक्स डाउनलोड करने हैं, मतलब कि शायद से जो उसका मैप है ना वो डाउनलोड करना है। तो भी ये है लैपटॉप, तो जल्दी से मैं यहां पर जो उसका मतलब पूरा का पूरा मैप है वो डाउनलोड कर लेता हूं उसके वोल्ट का। अब यार देखो ये चीज जो है ना अलाउड नहीं है, बट यार लेस्टर ने ना किसी और काम के लिए हमें यहां पर भेजा FIB वालों को बोल के, लेकिन हम लोग यहां पर मेन जो है उनका सारा का सारा डेटा उठाकर ले जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल जो डाउनलोडिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तो भी जल्दी से मैं यहां से निकलने वाला हूं, मतलब यार बिल्कुल सिक्योरिटी है ही नहीं। बाकी यार देखो लोग यहां पर इतने सारे एम्प्लॉय हुआ करते थे लेकिन यार आज कोई भी नहीं है। बाकी सामने वाले में एक FIB का बंदा बैठा है, वो भी अपना जो है जूस वूस पीने में लगा हुआ है। तो हम लोग जल्दी से नीचे चल लेते हैं। अभी यहां पर ये वाली जो लिफ्ट है ये हमें डायरेक्टली नीचे ले जाएगी। और अभी जो मेन अपने हैकिंग का काम था ना, मतलब जो हैकिंग डिवाइस का सेटअप करना था, वो इतनी ज्यादा इजिली कंप्लीट हो गया पूछो मत। तो भी जल्दी से मैं भी यहां से बाहर निकल लेता हूं। और ये खड़ा यहां पर गार्ड जो कि सलाम ठोकर है भाई साहब, इज्जत दे दिया भाई माइकल को ज्यादा ही लोगों ने। तो भी फटाफट यहां पर मैं गाड़ी में बैठता हूं और सीधा भी मैं निकल लूंगा वापस से एयरकेट वाली शॉप के लिए। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी ETV बाइक भगाता भगाता पता नहीं कौन से रास्ते से यहां से जा रहा हूं। बाकी यार जो भी हो ये जो रेलवे ट्रैक है ना ये मेरे को इतने बढ़िया वाले शॉर्टकट से लेकर यहां पर पहुंच चुका है पूछो मत। तो अभी ना बस मेरे को यहां पर थोड़ा सा यूटर्न लेना है और जो अपनी एयरकेट शॉप है ना वो आ जाएगी। और अगर मैं बाय रोड आता ना तो भाई मुझे बहुत ज्यादा लंबा रास्ता पड़ जाता। तो अभी फिलहाल मैं एयरकेट शॉप पर आ गया हूं, जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं अपना दूसरा टास्क क्या था। मतलब कि जो अपना पहला टास्क था वो तो ये था कि हमें मतलब हैकिंग डिवाइस का सेटअप करना है और जो दूसरा टास्क है वो भी चलकर देखते क्या है। बाकी यार अपने साथ लेस्टर है और वो मुझे मतलब कि कॉल पर सारी की सारी बात बताया जा रहा है, इसी मैंने अभी ना ये हेडफोन और माइक लगा रखा है। तो भी जल्दी से मैं इसके अंदर चलता हूं और यहां पर ये देखो भाई लेस्टर स्पीक्स और इस पे लिखा हुआ है लेस्टर सेज टेल द रियल ट्रोल भाई साहब, मतलब कुछ टेल द रियल ट्रुथ, सॉरी मेरे को ट्रोल नजर आया भाई, बिल्कुल एकदम अजीब तरीके से लिखा हुआ है। तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या बना देता है लेस्टर। तो भी जल्दी से मैं अंदर चलता हूं और यहां पर जो भी सोल्जर्स है वो भी पीछे की तरफ में अपना लंच करने गए हैं। तो यहां पर फटाफट से मैं देखता हूं अपना सेकंड टास्क था क्या। तो जो अपना सेकंड टास्क है ना उसके अंदर हमें क्या करना है, टेक आउट द कैसीनो गार्ड्स। तो ठीक है भाई अभी ना मतलब की कार्ड चाहिए, तो आपको पता होगा देखो अंदर जाने के लिए ना की कार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो गाइस यार अभी ना मुझे लेस्टर ने डायमंड कैसीनो के दो कार्ड की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया ट्रैक कर और यार मुझे ना उनको मार के उनका की कार्ड लेना है जिससे कि मुझे डायमंड कैसीनो का जो वॉल्ट है या फिर जो उसका लॉकर है उसके अंदर मेरे को एंट्री मिल पाए। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो जो दोनों गार्ड्स है ना वो थोड़ा थोड़ा मेरे से दूर है। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी बाइक पर बैठ के चलता हूं उनको मारने के लिए। अब यार देखो लेस्टर ने कहा ना कि दो गार्ड्स को मार के दो की कार्ड ले लो, मतलब कि अगर बाय चांस एक की कार्ड ना काम करे तो दूसरा वाला तो फिर देखो कर ही जाएगा। तो अभी जल्दी से हम लोग सीधा वहां पर चलते हैं। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मैं डायमंड कैसीनो के एक गार्ड के पास तो पहुंचने वाला हूं और यहीं कहीं पर वो गार्ड ना खड़ा हुआ है, मतलब कि ना लेस्टर ने मुझे यहीं की लोकेशन दी है। तो अभी ना मुझे उस गार्ड को ढूंढना पड़ेगा, इन तीनों में से तो मेरे को कोई नहीं लग रहा। बाकी जो लोकेशन है ना वो देखो वो सामने वाले ATM में अपना लगा पड़ा है, लेकिन यार अगर मैं यहां पर पब्लिक प्लेस में उसे मारूंगा तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। एक काम
काम करता हूँ ना, मैं इसे नॉर्मल से पहले पंगे लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे अपने पीछे लेकर चलूंगा। अपनी गन मैंने अंदर रख लिया है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा धक्का देता हूँ। अभी धक्का नहीं, एक इसके मुक्का मारूंगा। इधर तेरी ऐसी उधर से, और इसके बहुत तेज लगी क्या। अभी मैं पहले ना पीछे चलता हूँ यहाँ पर, वरना कुछ ज्यादा ही बुरा मान जाएगा। इसको ना एकदम मतलब किसी सीक्रेट जगह पर लेकर चल के मारूंगा। ये जगह ठीक है, यहाँ पर अगर ये आता है ना तो इसके मैं चक्कू आराम से मार दूंगा, ज्यादा लोग नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पर ये जो लड़की है ना, ये देख रही है यार, इसको पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसके चक्कू दे दिया, इसका जो डॉग है ना वो बेचारा वहीं पर रह गया है। तो अभी ना जल्दी से मैं इसका जो कार्ड है ना वो यहाँ पर ले लेता हूँ। और कहीं सर अभी ना एक गार्ड और है, उसका भी मेरे को कार्ड लेना है। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा निकल लेते हैं उस बंदे का भी कार्ड लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पर ना उस लड़की ने मेरे को देखा था उस बंदे को मारते हुए, इसलिए जो है वो लड़की वहाँ से भाग गई। तो कहीं सर देखो, ये जो काम है ना मैं इतना ज़्यादा सीक्रेटली करना चाहता हूँ कि ना यार किसी को भी कानों कान भनक तक ना चले कि भाई कोई चोरी हुई है। चोरी तो दूर की बात है, किसी को ना ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि एक बंदा मारा गया है, तभी हम लोग यहाँ पर यार पुलिस से बचे रहेंगे। वरना अगर पुलिस को पता चल गया तो सीधा माइकल के ऊपर ही शक जाएगा और पुलिस भाई बिना कुछ देखे समझे माइकल के पीछे पड़ जाएगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर तो मैं पहुंचूंगा और देखो एक गार्ड जो है सामने की तरफ में खड़ा हुआ है। तो पहले ना यहाँ के मैं बंदों को भगा देता हूँ, सब लोग निकल लो, आंटी जी भाग जाओ वरना ये जो चक्कू आपके पेट में घुस जाएगा, नहीं जाना भाई साहब, ये तो डर के भाग नहीं, फटाफट यहाँ से निकलो। यहाँ पर फिलहाल अब ये ग्रीन गैंग के बंदे, तुम्हारी भैंस की टांग, मैं पहले बॉडी गार्ड को मारूंगा ताकि ये ना भाग जाए। और यहाँ पर एक ग्रीन गैंग के बंदे ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़े बदमाश बनते हैं। रुक जाओ, यहाँ पर इसके तो पड़ेगी गोली, तेरी ऐसे तैसे निकल यहाँ से। और तू अपने आपको ज्यादा प्रधानमंत्री बन रहा था ना, तू भी निकल भाई साहब। यहाँ पर मैंने इनको स्पेशली बोला था निकल लो, मतलब कि जैसे इन्होंने देखा ना ये माइकल है तब इन्हें डर लगा, इतनी देर से ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर मैंने इसका भी की कार्ड ले लिया है, अभी ना मुझे वापस से जाना है एयरकेड में और इन की कार्ड को भी दिखाना पड़ेगा लेस्टर को कि मैं की कार्ड भी लेकर आ गया हूँ। फिर हमें लेस्टर जो है आगे काम बताएगा कि आगे क्या करना है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए उसी जगह पर वापस आ चुका हूँ। और मेरे को ना एयरकेड शॉप में जाने के लिए यहाँ से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है, मतलब कि हम ना मेरे को ये जो रेलवे ट्रैक है ना सबसे ज्यादा तगड़ा शॉर्टकट तो यही लग रहा है इस जगह पर आने के लिए। मतलब कि यार कहीं से भी पकड़ लो, इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं पूछो मत। तो यार एक सेकंड, ये जो गाड़ी है ना बहुत बुरी तरह ठुकती है और इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इसमें नुकसान पहुंचने वाली कोई चीज ही नहीं है, बस आगे दो इतने मोटे मोटे टायर लगे हुए हैं जैसे मॉन्स्टर ट्रक में होते हैं। तो भी ना जल्दी से मुझे एयरकेड के अंदर चलना है। और यहाँ पर तब से देख रहा हूँ ये बंदा खड़े होकर सिगरेट पिए जा रहा है, भाई तेरा क्या सीन है भाई। यहाँ पर खैर छोड़ो, अभी मैं पंगे नहीं लेने वाला, अगर मैं पंगे लूंगा तो आपको पता ही है फिर काम दिक्कतें बढ़ती जाएगी। तो भी जल्दी से मैं सीधा नीचे चलता हूँ और देखते हैं लेस्टर में आगे क्या काम देने वाला। तो अभी फटाफट से दोबारा से वही टोकन इसके अंदर डालते हैं और ये वाली जो मशीन है दोबारा से खुल जाएगी। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से मैं अपनी एयरकेड शॉप के अंदर चलता हूँ और देखते हैं भाई अब हमें लेस्टर क्या काम देने वाला है। मतलब यार देखो, जो बिग माफिया के बेटे की मतलब पूरी की पूरी टीम थी ना, वो इस काम में इसी वजह से फेल हो रही थी क्योंकि यार उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है जितना लेस्टर के है। तो लेस्टर यहाँ पर अपनी हैकिंग और अपने दिमाग के दम पर ये जो चोरी है सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से आज सक्सेसफुली करवा कर दिखाएगा, क्योंकि यार लेस्टर को भी उस जगह से जो है निकलना है, वहां से आजाद होना है। तो अभी देखो लेस्टर ने हमसे दो काम करवाए, सबसे पहले की कार्ड चोरी करवाया और फिर हैकिंग डिवाइस का सेटअप भी करवा लिया है। और अभी देखते हैं लेस्टर हमसे क्या करवाने वाला है। तो अभी यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ। तो गाइस सर अब हमें ना मतलब ग्रुप 6 का ट्रक चुराना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री डिसगाय। तो यहाँ पर जो ग्रुप 6 का ट्रक है ना वो हमें चोरी करके लाना है। और जिन लोग को नहीं मालूम ग्रुप 6 क्या है तो मैं आपको बता दूं, देखो भाई ग्रुप 6 जो है ना मतलब कि एक टाइप से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और जितना भी पैसा होता है ना बैंक का हो चाहे फिर कैसीनो का हो, वो सारा का सारा ला के बैंक वगैरह में डालता है, जो भी हो मतलब उसका इन चीज का काम है। तो भी फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फिलहाल मैं बाहर जो है निकल चुका हूँ और यहाँ पर मुझे लेस्टर का भी कॉल आ गया है। तो जल्दी से मैं इसकी बात सुनता हूँ और मेरा हेडफोन कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरे को ढंग से आवाज कैसे आएगी फिर, लेकिन अभी आवाज सही आ रही है तो इसकी बात सुन लेते हैं। और ये जो भी कह रहा है वो ध्यान से हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो भाई अभी ना लेस्टर माइकल को ये कह रहा है कि यार तेरे को तो सब पता ही है तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो एक जगह है वहां पर ना ग्रुप 6 वालों का ट्रक गया हुआ है कम सिक्योरिटी के साथ और कुछ अलग बंदे हैं जिनके साथ वो गया है, तो वहां पर से हमें वो चुरा कर ले आना है जल्दी से। तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते हुए इधर आ चुका हूँ और ये देखो ये खड़ा सामने की तरफ में ग्रुप 6 का ट्रक और दो तीन बंदे सामने की तरफ में और खड़े हैं। तो अभी ना मैं इनको अपना चक्कू दिखा के यहाँ से डरा के पहले भगा दूंगा, वैसे अगर मैं भगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, इनको पता थोड़ी कि मैं यहाँ पर ट्रक चुराने आया हूँ, बस मैं इनको डरा के भगाऊंगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब ये क्या मजाक है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरा देसी कट्टा देखा नहीं है तूने कभी, भाई मैं इसके भी बजाऊंगा, निकल तेरी ऐसी की तैसी यहाँ से और तू भी निकल। भाई साहब ये तो खतरनाक है, ओ भाई तेरी भैंस के रंग, तू मेरे को मारे उससे पहले मैं तेरे को मार दूंगा। और यहाँ पर अभी और बंदे हैं क्या, भाई साहब ये लोग तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को डेंजरस से बन रहे थे। फिलहाल इन दोनों को मैंने मार दिया और यहाँ पर अभी और कोई तो नहीं है ना भाई, देखो अगर और कोई शाणा बन रहा है तो पहले ही बता दो, मुंह तोड़ दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ पर मुझे ना अभी ग्रुप 6 का जो ट्रक है वो मेरे को मिल चुका है, तो अभी ना मेरे को इसे एयरकेड में ही लेकर जाना है। मतलब कि ना मैं एक एक करके अभी बहुत सारा काम करना है, आप लोग देखते जाओ कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से अपने ट्रक को यहाँ पर मैं पार्क कर देता हूँ। तो चलो
गाइस यार इतना जो अपना काम है वो भी कंप्लीट हो गया है और ये वाला जो ट्रक है ना ये इन्होंने मतलब कि ये वाला जो शर्ट है इसको खोल के अंदर कर लिया है और इस ट्रक को अब ये लोग जो है रिपेयर वगैरह जो भी करना होगा करेंगे। तो अभी फटाफट से मैं दोबारा से एयरकेट शॉप के अंदर चलता हूं तो अब देखते हैं भाई क्या सीन है। अपना जो है तीन काम यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया है, अब चौथा काम क्या है वो हमें चलकर देखना पड़ेगा। मतलब यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहां पर इसे करने में और अगर ये वाला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भाई लेस्टर वगैरह सब वापस आ जाएंगे और लेस्टर के घर पर जितना भी पैसा था वो भी हमें वापस मिल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यार देखो बिग माफिया के बेटे को पैसों से कोई मतलब नहीं है। बिग माफिया के बेटे को बस हमें जो है मतलब कि ये काम करवाना था क्योंकि यार वो और ज्यादा अमीर बनना चाहता है, बिलियन डॉलर्स के वो पोस्टर्स हैं। तो अभी फटाफट यहां पर मैं चलता हूं और देखते हैं फिर क्या सीन है। बाकी भी मैं इधर आ गया हूं, अपने तीन काम हो गए हैं। अभी देखो जो ग्रुप सिक्स का ट्रक चुराना था वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो काम है ना हमें करना है बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहां पर अभी ना मुझे लेस्टर का कॉल भी आ गया है। तो अभी फटाफट ना मुझे यार एक बंदे की गाड़ी चाहिए होगी बढ़िया सी। बाकी तो फिलहाल यहां पर दूर दूर तक कोई बढ़िया गाड़ी दिख नहीं रही। सामने एक बंदे की गाड़ी आई है, एक सेकंड रुक जाओ। इसकी भैंस की टांग, गाड़ी चलाया, गाड़ी रोकती रही ऐसी की तैसी। ओ भाई साहब गाड़ी में रेस दे दी इसने इतनी तेज। और यहाँ पर ना अभी मुझे लेस्टर ने पूरा का पूरा प्लान बता दिया क्या करना है कैसे करना है। अभी बाहर निकलती रही ऐसी की तैसी। मेरे को ना बस मेन इनकी ड्रेस चाहिए। तो देखो गाइस यार अभी ना फटाफट मुझे ना यहाँ से जाना है 1 माइल्स दूर। तो देखो भाई जिस बंदे को मैंने मारा था ना उसको ठीक करने यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है। इतनी जल्दी कैसे आ गई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भाई। मतलब कि कुछ ज़्यादा ही तेज सर्विसिंग हो रही है अभी लॉस सैंटोस में, क्योंकि पता है जो है क्राइम बढ़े ही जा रहे हैं माइकल की वजह से। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल मैं जाने वाला हूँ सीधा ग्रुप सिक्स की पार्किंग में जहाँ पर उनके ट्रक खड़े होते हैं। तो लेस्टर ने मुझे बोला है ना जो उनका मतलब नंबर होता है ना उनका नंबर प्लेट जो लाइसेंस प्लेट होती है उसका नंबर मुझे कॉपी करके भेज देना। फिर ये क्या करेगा ना इस वाले जो ट्रक है इस वाले को फेक बना देगा, उस वाले को नकली बना देगा। मतलब जो हम ट्रक चुरा कर लाए हैं ना वो वाला ट्रक नकली था अब मुझे पता चल रहा है। तो यहाँ पर इस वाले ट्रक की जो नंबर प्लेट है ना वो मैं लेस्टर को मैसेज कर देता हूँ। यहाँ पर इसका नंबर है 07KZJ683। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ 07KZJ683, ठीक है 683। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने लिख दिया और ये जो मैसेज है मैंने लेस्टर को भेज दिया। तो लेस्टर चेकिंग द डेटाबेस, ओके तो चलो ठीक है। प्लेट इज नॉट अपेयरिंग ऑन माई डेटा बेस, ट्राई नॉट टू कन्फ्यूज जीरोस एंड द लेटर ओ। भाई साहब वो जीरो था क्या पता नहीं, चलो कोई नहीं मैं दूसरे वाले की भेज देता हूँ। मेरे हिसाब से वो ना ओ था लेकिन मैंने उसको जीरो भेज दिया। लेकिन यहाँ पर ना एक ट्रक और खड़ा है इसकी मैं नंबर प्लेट भेज दूंगा तो शायद से सही रहेगा भाई, पता नहीं क्या सीन है। तो यहाँ पर इसका नंबर सिंपल है तो यहाँ पर अभी मेरे को दोबारा लिखना है 28S9I S9I 325, ठीक है 325। यहाँ पर ये वाला नंबर भेजते हैं, अब देखते हैं काम होता है कि नहीं होता। और अगर इस बार ओके गाइस यहाँ पर अभी सब कुछ एकदम बढ़िया सा हो चुका है। अभी फटाफट से मेरे को यहाँ से वापस जाना है एयरकेट के लिए। भाई साहब तुम्हारा भाई एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मतलब कि जो पहले वाली नंबर प्लेट थी ना उसका भी मैसेज मैंने एकदम सही सेंड करा था, बट यार दिक्कत ये हो गई कि जो जीरो था ना मैंने मतलब कि जो ओ था उसको मैंने जीरो लिख दिया। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी जो है वापस भगाते भगाते एयरकेट शॉप पर आने वाला हूँ। और यार देखो बार बार एयरकेट पर आना ना मेरे को थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है। मतलब पहले तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था लेकिन अभी मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है। मतलब कि लेस्टर एक ही बार में मैं 2-3 काम क्यों नहीं बता रहा। वैसे यार वो भी सोच रहा होगा अगर एक बार में 2-3 काम बता दूंगा ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और काम गलत कर देंगे, इसलिए वो एक एक करके हमें काम बता रहा है ताकि जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं एकदम 100% बढ़िया तरीके से हो जाए, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। तो अभी ना जल्दी से मैं दोबारा से चलता हूं। यहां पर देखो ये लेस्टर लीक किट मशीन के अंदर मैंने इतने टोकन डाल दिए भाई पूछो मत, मशीन पूरी भर गई होगी अब तक। तो वैसे यार गिनती के 4 टोकन डाले हैं, मजाक कर रहा हूं। अभी फटाफट से हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं अब हमें लेस्टर क्या काम देने वाला है। अभी ना हमने टोटल 4 काम कर दिए हैं और भाई सच्ची में चौथा वाला काम भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो अभी हमें काम करना है आउटफिट पे। ये कह रहा है कि ना जल्दी से तुम ड्रेस लेकर आ जाओ। अब देखो यार अब हमें वॉलेट ड्रेस चाहिए जिसको पहनकर हम लोग ग्रुप 6 का ट्रक चलाने वाले हैं। अभी फटाफट यहाँ पर जिस गाड़ी में मैं आया था वो गाड़ी वो खड़ी सामने की तरफ में। तो अभी जल्दी से मैं गाड़ी में बैठकर निकल जाता हूँ। गो टू मशीन रॉ पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो अभी फटाफट से पुलिस स्टेशन जाना है और वहां पर से मेरे को क्या मिलने वाला है, अच्छा लॉकर रूम में। लेस्टर मुझे कह रहा है कि ना वहाँ का जो लॉकर रूम है ना उसके अंदर से तुम्हें ग्रुप 6 की ड्रेस मिल जाएगी। तो देखो भाई बहुत सही है। तो देखो यार आप लोग को तो पता ही होगा कि जो लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट है वो यार यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है, आते जाते आपको नजर ही आ गया होगा। तो यहाँ पर ना मेरे को कुछ इस टाइप से अंदर एंटर होना है कि किसी भी पुलिस वालों को भनक तक ना हो, क्योंकि यार आप लोग को पता ही है कि सारे के सारे पुलिस वाले माइकल के पीछे पड़े हैं, देखते ही यहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं, गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यार अभी ना इसके अंदर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यार अभी ना मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से जंप लगानी है कि मैं सीधा इस वॉल के ऊपर जाके गिरूं एकदम परफेक्ट। यहां पर भी फटाफट थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहां पर ना मेरे को थोड़ी सी जंप मारनी पड़ेगी और अगर पैर फिसला तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अभी जल्दी से इसके ऊपर चढ़ते हैं फिर अंदर की तरफ में चल लेते हैं टॉप के। बहुत ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी, 3, 2, 1 भाई लगा दे। ओ भाई साहब चलो बहुत ज्यादा बढ़िया। यहां पर अब ना मैं इतना ज्यादा आराम से लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो गया हूं ना, मतलब कि ये पीछे वाला रास्ता है और यहां पर ना पुलिस वाले सिर्फ मतलब कि लंच के और मतलब डिनर के टाइम पर आते हैं और उसके अलावा यहां पर पुलिस वाला कोई
भी हमें नजर नहीं आता। फिलहाल लॉकर रूम में हो सकते हैं, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस जगह पर नहीं है और फिलहाल लॉकर रूम में भी अभी कोई नहीं है। तो यहाँ पर से ना मुझे सबसे पहले ना ये वाला बैग चाहिए। तो चलो भाई, यहाँ पर ना मुझे ये वाला जो बैग है वो भी मिल गया। इसके अंदर ना मतलब पुलिस वालों की ड्रेस है, अगर हमें कल को कोई भी दिक्कत होती है ना तो हम लोग पुलिस वालों के कपड़े बदल लेंगे, ताकि बाकी बंदों को ये लगे कि हम लोग भी एक पुलिस वाले हैं। और ये जो ड्रेस है ना, इसमें मुंह ढका रहेगा। आपने देखी होगी जो स्वैट सोल्जर्स की ड्रेस होती है ना, सेम टू सेम ये वैसी ड्रेस है। तो भी ना फटाफट यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। अब देखो यार, एग्जिट होने के लिए मैं ऊपर तो जा नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर जो इनका मेन गेट है ना, इसी से निकल लेते हैं। सीसीटीवी में हो सकता है मेरे को नोटिस कर लिया हो, लेकिन पीछे से देखकर ये लोग क्या उखाड़ लेंगे। तो भी फटाफट यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कोई गाड़ी वाड़ी आने का। अंदर की तरफ एक बहुत बढ़िया गाड़ी मेरे को नजर आ रही है, तो जल्दी से चल के मैं वाली गाड़ी लेता हूँ और यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने आगे मिशन पर। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगा जाते हैं, पहुंच चुका हूँ सीधा एयरगेट शॉप के लिए। यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रोक देता हूँ और पीछे की तरफ में यहाँ पर उन्होंने फायर हाइड्रेंट तोड़ दिया और देखो पानी कैसे निकल रहा है। तो भी फटाफट एयरगेट शॉप के अंदर चलते हैं। और भाई ये मैं एयरगेट शॉप के अंदर छठी बार आ रहा हूँ मेरे हिसाब से। अभी फटाफट चलते हैं, देखते हैं अब क्या काम हमें लेस्टर देने वाला है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल सिक्का विक्का डालकर मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। भाई मतलब एक ही जगह पर बार बार ही आना पड़ रहा है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और गाइस लेस्टर कह रहा है कि ये फिनाले है, मतलब कि अभी हम लोग ना ग्रुप 6 का जो ट्रक था वो पूरा का पूरा रिपेयर हो गया, पूरा मॉडिफाई हो गया। एक बार ना लेस्टर की मैं कॉल ध्यान से सुनता हूँ क्या कह रहा है वो। ओके ओके तो चलो गाइस, लेस्टर ना मेरे को ये कह रहा है कि जो तुमने ड्रेस पहनी है ना, अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि तुम्हारे पास ग्रुप 6 का ट्रक भी है, तुम्हारे पास वाली ड्रेस भी है। बाकी जो सीसीटीवी वगैरह वो अपना लेस्टर देख लेगा, ब्लॉक कर देगा, ऑफ कर देगा, सब कुछ कर देगा। ये कह रहा है बस तुम्हें वहाँ पर जाना है और जो पेंटिंग्स चुराने की बात हुई थी उसको चुराना है, और जो की कार्ड मिले थे वो भी कैरी कर लेना, वहाँ पर सारे के सारे की कार्ड लगाना, पुलिस वालों की ड्रेस अपने साथ रखना, अगर कोई दिक्कत आए तो ड्रेस चेंज कर लेना। तो देखो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर दिक्कत आएगी तो मैं ड्रेस चेंज कर लूँगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बाहर आ जाएंगे। तो भी फटाफट मैं यहाँ से चल लेता हूँ सीधा उस जगह के लिए, मतलब कि अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ डायमंड कैसीनो। तो कि गाइस सर, अभी ना आपको यहाँ से डायमंड कैसीनो एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से नजर आ रहा होगा। तो भी ना फटाफट से मुझे अपने ट्रक को जो है यहाँ से अंदर लेना है। और लेस्टर ने मुझे बोला था कि ना तुम्हें वहाँ की पार्किंग में नहीं ले जाना, तुम्हें ले जाना है उन लोग की पार्किंग में, मतलब कि जहाँ से ये वाले ट्रक एंटर होते हैं, तो उनकी पार्किंग ना एक सीक्रेट जगह से होती है। मतलब कि ना इसके अंदर क्या होता है, सारा का सारा पैसा ना भर के यहाँ से जाता है बैंक के लिए। मतलब आपको पता होगा डायमंड कैसीनो में ना बहुत ज़्यादा कमाई होती है, जिस भी बंदे का है तो अपना सारा पैसा ना बैंक में भेजते रहता है। और पीछे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो मुझे ना अपने ट्रक को यहाँ पर रोकना है क्या थोड़ी देर के लिए, पता नहीं क्या करना है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर शटर के अंदर डालना है क्या भाई, कोई तो कुछ बताओ। ओके डिटेक्ट हो रहा है, देखो आवाज़ आ रही है। तो चलो भाई, यहाँ पर अभी फिलहाल जो अपना ट्रक है अंदर की तरफ में एंटर हो चुका है, तो गो टू द इंस्पेक्शन पॉइंट। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे वहाँ पर जाना है जहाँ पर इस वाले ट्रक की जो अच्छे से इंस्पेक्शन करेंगे ये लोग, फिर हमें बताएंगे कि ये ट्रक आगे जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। शायद से ना वहाँ पर मेरा की कार्ड वगैरह भी चेक होगा। तो भाई सच्ची में मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और ये जो काम है ना हमें बहुत ज़्यादा आराम से करना है। तो फटाफट अपना ट्रक जो है मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ। और यहाँ पर ये देखो अंदर की तरफ में एक बंदा बैठा हुआ है, जो कि पूरा बैठ के ना एक एक चीज़ चेक कर रहा है कि इस ट्रक में क्या क्या जाए, क्या क्या हो सकता है। तो ओके गाइस, अभी ना यहाँ पर इसने मेरे को अंदर जाने की परमिशन दे दी है, वाला गेट भी खोल दिया और इसने लिखा है गो टू द लोडिंग बे। तो ये वो जगह है जहाँ पर ना इसके अंदर सारा का सारा गोल्ड हो, डायमंड हो, कैश हो, सारा का सारा ना यहीं पर लोड होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अभी फटाफट यहाँ पर मैंने अपना ट्रक खड़ा कर दिया है, और यहाँ पर मैंने बैग भी ले लिया है, ड्रेस भी पहन लिया है, और अपने साथ में एक ब्रीफ केस भी ले लिया है। ब्रीफ केस किस लिए लिया है ये मुझे नहीं मालूम। तो अभी फटाफट से ना मेरे को लिफ्ट से और भी ज़्यादा बेसमेंट में जाना है, मतलब कि यार वो जो जगह है जहाँ पर इनका लॉकर है ना यार, वो बहुत ज़्यादा बेसमेंट में है। तो अभी फिलहाल यहां पर मैं आ चुका हूं, इधर की तरफ में ये बेसमेंट 1 है। तो अभी मुझे कहां जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब, कैसी सी जगह ये, मुझे मालूम नहीं था डायमंड कैसीनो नीचे से इतना ज्यादा भी बड़ा होगा। तो अभी ना यार ये तो बहुत ज्यादा आगे तक है, तो अभी फटाफट यहां पर मैं अंदर चलता हूं। और ये वाला गेट नहीं खुलेगा क्या, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। ये कह रहा है यूज द की कार्ड, चलो ठीक है, ये कह रहा है ना ज्यादा की कार्ड यूज कर लेना, वरना फिर जो सीसीटीवी कैमरे है ना वो तुम्हें मतलब कि ज्यादा नोटिस करेंगे अगर तुम की कार्ड यूज नहीं करोगे। अगर तुम ज्यादा की कार्ड यूज करोगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये पुराना बंदा, ये यहाँ पर आता जाता रहता है, इसलिए इसको मालूम है कि की कार्ड यूज करना है। बाकी यार ये वाला गेट भी खुल गया, तो चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे की कार्ड ना जल्दी से डायरेक्ट यूज करना है। अभी फटाफट देखो यहाँ पर उन्होंने की कार्ड लगा दिया, और मुझे पासवर्ड वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला जो गेट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल जाएगा। तो चलो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया। और गाइस यार आप लोग ये जो जगह देख पा रहे हो ना, ये है मैन ट्रैप। तो भाई ये जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रैप होता है, इसीलिए मैं इसके साइड में चल रहा हूँ, मतलब कि इसके अंदर ना शायद से करंट वगैरह निकलता है, और ये इन्होंने इसलिए बना रखा है
कि कल को यहाँ से अगर कोई चोरी करके भाग रहा होगा तो ये दोनों साइड के गेट बंद कर देंगे और यहाँ पर ना पूरी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड कर देंगे या फिर जो भी स्मोक निकलता हो कुछ भी हो, लेकिन यार ये बहुत खतरनाक ट्रैप होता है। तो भी फटाफट मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन गाइस सर ओके तो चलो ये वाला गेट भी खुल गया। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ ना एक ही बंदा बैठा हुआ है, तो अभी ना जल्दी से मैं अंदर चलता हूँ और इसको लग रहा है कि मैं ग्रुप 6 वालों का बंदा हूँ। अच्छा हुआ कि ये माइकल को नहीं जानता, अगर ये माइकल को पहचान लेता तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। फिलहाल इसने ये वाला गेट खोल दिया है और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा अंदर। तो चलो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया सीन चलती रही ऐसी की तैसी, पहली फुर्सत में निकल भाई। अपने ना माइकल का स्टाइल ही अलग है। तो यहाँ पर अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अपनी चोरी स्टार्ट करनी है हमें यहाँ से। तो भाई यार देखो, एक तो ना यार लेस्टर बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा। लेस्टर कह रहा है भाई जल्दी जल्दी काम करो। तो देखो यार सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ, पेंटिंग चुराता हूँ, मतलब कि जिस काम के लिए हम लोग मेनली यहाँ पर आए हैं वो पहले चुराएंगे। बाकी यहाँ पर पैसा, गोल्ड, हीरे बहुत सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो भी देखो लेस्टर की एप्लीकेशन मैंने ऑन कर दिया जिससे मुझे हैकिंग करनी है। तो मुझे ना जल्दी से वाला फिंगरप्रिंट मैच करना है। यहाँ पर मेरे को 4 फोटो मैच करने हैं जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, टोटल 6 हैं। बाकी यार ये वाली फोटो मेरे को लग तो रही है मैचिंग सी, बट अभी मैं 100% श्योर हूँ, ये वाली 100% श्योर हूँ। और यार बाकी एक और इमेज यार मेरे को लग नहीं रहा कि हो पाएगा यार। तो यार देखो ये वाली जो इमेज है ना, मेरे को लग रहा है ये थोड़ी बहुत मैच कर रही है, तो ये वाली मैं सिलेक्ट करता हूँ। और यार यहाँ पर टोटल अभी मैंने 2-3 इमेज सिलेक्ट कर दिया है, मेरे को बस एक इमेज और सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर चौथी वाली मेरे हिसाब से ही होगी। तो बिना फटाफट से इसको टेस्ट करवाते हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है, प्लीज हो जाए। तो चलो भाई सिग्नल मैच हो गए, यानी कि वाला जो गेट है वो एकदम आराम से खुल जाएगा। चलो भाई हैक एकदम सक्सेसफुली हो चुका है। यार लेस्टर की एप्लीकेशन ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो जिस हैकिंग डिवाइस का हमने मतलब कि पूरा सेटअप करा था ना, वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और गाइस यार ये है वो पेंटिंग जिसका इंटरनेशनल मार्केटिंग में $1 बिलियन से भी ज़्यादा का प्राइस है। तो सबसे पहले इस पेंटिंग को हमें यहाँ से कट करना है और सीधा निकाल के इसे लेकर चल लेना है। अगर मैं इसे पोस्टर समेत निकालूंगा ना तो यार फिर अच्छी तो लगेगी देखने में, बट यार इतना ज़्यादा बड़ा लेकर कौन जाएगा। मुझे इतनी चोरी करनी है जितना मैं अपने बैग में भर पाऊँ। तो भी फटाफट यहाँ पर जो पेंटिंग थी ना इसको मैं फोल्ड करके अपने बैग में डालने वाला हूँ। वैसे अपने बैग में बहुत जगह है, कम से कम 10 से 12 पेंटिंग आराम से आ जाएगी। तो भी फटाफट ना यहाँ पर आके एक और पेंटिंग है। अभी जितनी भी पेंटिंग्स है ना मुझे सारी की सारी चुरानी है। उसने मेरे को बोला था मेरे को सारी की सारी पेंटिंग्स तुम ला कर दे देना। अभी फटाफट यहाँ पर ये वाली पेंटिंग भी मैं काटता हूँ और यहाँ पर इसको भी साइड से काटते हैं और फिर से मेरे को ऊपर से काटने और जो अपना काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पर ये वाली पेंटिंग भी तुम्हारे भाई ने जो है पूरी की पूरी उखाड़ के मतलब कि काट के अपने बैग में डाल दिया है। और कहीं सर देखो अभी ना यहाँ पर ये दिखा तो रहा है कि तुम्हारे पास $1 मिलियन का सामान आ गया है, लेकिन यार अभी ना इसको मतलब कि पता नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा प्राइस है। ये तो मतलब कि एक अपने हिसाब से डिटेक्ट कर बता रहा है कि ये इतने की बिक सकती है। तो यहाँ पर ना अभी एक लॉक और है, तो फटाफट से ना इसको भी हैक करते हैं। अब जल्दी से यार ये वाला भी हैक हो जाए। यार देखो एक तो ना हैकिंग करते टाइम ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर पीछे से कोई सिक्योरिटी गार्ड आ गया तो क्या होगा। मतलब हमें ना यहाँ पर बस पैसे लेने के लिए भेजा, ना कि हैकिंग करने के लिए। तो सबसे पहले ये वाली इमेज मैच कर रही है और ये वाली इमेज भी मैच कर रही है और यहाँ पर एक इमेज मैच कर रही है जिसके अंदर कुछ ट्रायंगल टाइप है, तो ये वाली होगी और ये वाली होगी। चलो भाई इस बार तो तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा तेजी से काम कर दिया, मतलब कि अब एकदम एक्सपर्ट हो गया भाई। एक तो लेस्टर की ऐप बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इस बार भी हैक जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलो भाई यहाँ पर ये वाला भी गेट आराम से खुल जाएगा और इसके अंदर से भी मेरे को 2 पेंटिंग्स और मिल जाएगी। तो चल भाई गेट जल्दी से खुल जा और यहाँ पर भी फटाफट से ये वाली पेंटिंग भी काट लेते हैं। मतलब यार ये जो पेंटिंग है ना मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रही कि इसके अंदर ऐसा होता क्या है जो इसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है। आप लोग को भी ना कभी कभार ऐसा लगता होगा, बट यार ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनती है इसलिए इनका प्राइस इतना ज़्यादा होता है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ये वाली पेंटिंग जो है मैंने उठा लिया। यहाँ पर ना एक श्राउड और है, तो जल्दी से ना इस वाली पेंटिंग को भी मैं यहाँ से जो है निकालना शुरू कर देता हूँ। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ये वाली पेंटिंग जो है मैंने उठा लिया। यहाँ पर ना एक श्राउड और है, तो जल्दी से ना इस वाली पेंटिंग को भी मैं यहाँ से जो है निकालना शुरू कर देता हूँ। अब यार एक तो ना मुझे समझ नहीं आता कि इन पेंटिंग्स के अंदर ऐसा क्या होता है, कुछ समझ तो आता नहीं है, बट यार फिर भी इनका प्राइस इतना ज़्यादा होता है ना भाई, पूछो मत। खैर छोड़ो यहाँ पर जो भी, अभी फिलहाल ये वाली पेंटिंग को भी मैंने काट लिया है, जल्दी से इसको लेकर अपने बैग में डाल लेते हैं। तो भाई देखो ये जो पेंटिंग है ना महंगी इसलिए होती है क्योंकि यार इनको ना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिलहाल इधर ना थोड़ा बहुत डायमंड पड़ा हुआ है, तो भी ना जल्दी से यहाँ पर जितना डायमंड हो सकता है ना मैं अपने लिए उठा लेता हूँ, ये हम लोग बिग माफिया को नहीं देंगे। बीच रास्ते में ना मैं इसको दूसरे बैग में डाल लूँगा, अभी फिलहाल एक ही बैग में डाल के लेकर चल लेते हैं। भाई बहुत सारा डायमंड है भाई, सच्ची में डायमंड कैसीनो के अंदर आओ और डायमंड लेकर ना जाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो भी जितना भी डायमंड है मैं सारा का सारा बैग में डाल लेता हूँ। तो कि गाइस अभी ना पीछे की तरफ से मैंने बहुत सारा गोल्ड जो है अपने बैग में भर लिया है और इस तरफ में कुछ कैश पड़ा हुआ है। कैश मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ना अंदर से डायमंड चाहिए। और अंदर जाने का रास्ता कहाँ से भाई, मेरे को कोई अंदर जाने का रास्ता बताओ, मेरे को कुछ भी करके भाई डायमंड चाहिए तो चाहिए। और यहाँ पर ये वाला गेट भी खुल गया, तो उधर का रास्ता यहाँ से, तो फटाफट अभी अंदर चलते हैं। और गाइस सर अभी ना मेरे को बहुत सारे डायमंड्स और मिल चुके हैं, तो जल्दी से ना सारे के सारे डायमंड्स मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। भाई देख रहे हो मतलब इतने सारे डायमंड है भाई, पूछो मत। अब यार देखो डायमंड कैसीनो है, तो डायमंड की तो यहाँ पर भाई बारिश हमारे लिए
हो चुकी है, तो भाई जितना भी डायमंड हो सकता है ना, मैं सारा का सारा उठाकर अपने बैग में डालता हूँ और यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने घर के लिए। घर के लिए नहीं, हमें जाना है सारा का सारा पैसा किसी और को देने के लिए, मतलब कि सारी की सारी पेंटिंग्स किसी और को देनी है ले जाकर। तो भी जल्दी से यहाँ पर जितना भी हमने सामान इकट्ठा करा है इतना बहुत है भाई, लालच बुरी बला है। अपने वहाँ पर यार दोस्त मुसीबत में है और यहाँ पर मैं पैसा लूटने में लगा पड़ा हूँ। ये जो काम है अगर लेस सेफ हो गया ना तो बाद में भी हो सकता है, तो अभी मैं और भी ज़्यादा चोरी नहीं करने वाला। यहाँ पर अभी ना गाइस बहुत सारा डायमंड है, बहुत सारा गोल्ड है, लेकिन यार अब मैं आगे कुछ नहीं करने वाला। अभी ना फटाफट यहाँ पर की कार्ड लगाते हैं और ये वाला जो गेट है खोलकर यहाँ से हम लोग फटाफट से बाहर निकल लेते हैं जल्दी से। जल्दी 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 भाई, अभी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फटाफट यहाँ से मैं बाहर निकल लेता हूँ सीधा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भागो 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 भागो, अब आने वाला है भाई असली गेम में मजा। तो जल्दी से भाई यहाँ से बाहर निकल जाते हैं गाइस। एक तो ना मुझे इस मैन ट्रैप में चलने में ना बहुत ज्यादा डर लगता है। मान लो कि अभी इन लोग को पता चल जाए कि यार मैं यहाँ से सारा का सारा सामान चोरी करके भाग रहा हूँ और ये लोग सारे के सारे गेट लॉक करके यहाँ से करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दें, तो यार कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मतलब कि माइकल ना करंट से ही मर जाएगा, एक टाइप से ना उसकी बॉडी से जल जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो सकता है। बट यार अभी ना इन लोग को पता नहीं चला, तो अभी ना फटाफट मुझे ना यहाँ से चुपचाप से निकल जाना है। तो अभी फटाफट हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से जाना ठीक नहीं रहेगा, हम लोग बेसमेंट से आए थे और बेसमेंट से ही जाना चाहिए था मुझे लग रहा था। और यहाँ पर ना कहीं कैमरा लगा हुआ था जिसने हमें देख लिया है। और यार ये वाला गेट भी नहीं खुल रहा, शिट यार भाई गेट प्लीज खुल जाए यार, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। खुल जा भाई, ओके तो मैंने लात देके तोड़ दिया। तो भी ना फटाफट ऊपर चलते हैं, ये वाला गेट खुलने का नाम नहीं ले रहा और मुझे ना अभी ऊपर जाना पड़ेगा। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ और ये वाला जो गेट है ना खुल चुका है। तो लेस्टर का मेरे को मैसेज आया, लेस्टर कह रहा है ना जल्दी से अपनी ड्रेस बदल लो, फिर जो है सारा का सारा काम ना ठीक हो जाएगा। तो अभी ना फिलहाल मेरे को जो है ना सीधा उस वाले लॉकर रूम में जाना पड़ेगा जहाँ पर जाकर हम लोग ना चुपचाप से अपनी ड्रेस बदल पाएं। तो फिलहाल ये वाला गेट तो लॉक्ड है, आगे की तरफ में ना शायद से यहाँ पर कोई ना कोई लॉकर तो होगा। तो ये देखो भाई फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर ना सबके लॉकर हैं। तो फटाफट ना यहाँ पर मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ, थोड़े टाइम के लिए बदल लेते हैं ताकि ना मैं इनकी नज़रों से गायब हो जाऊँ और मैं ना पुलिस बन के बाहर चले जाऊँगा ताकि इनको लगे कि वो बंदा यहाँ पर था ही नहीं, इनकी कोई गलत फहमी थी। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने पुलिस वालों की ड्रेस पहन लिया है और मैं ना बाहर का एक राउंड मार के आ जाता हूँ कि आखिरकार मामला ठंडा हुआ या फिर नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना डायमंड कैसीनो के, मतलब कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना एक अलग ही सिक्योरिटी है जिनके पास यार बहुत ही खतरनाक यार वेस्ट है, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा आर्मर है। तो मतलब यहाँ का जो भी मामला है ना थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। तो भी फटाफट ना मैं वापस वहाँ पर चलता हूँ और अपने ना कपड़े वापस से बदल लेता हूँ, मतलब कि अगर मामला ठंडा ना हुआ होता ना तो अभी मैं अपने कपड़े नहीं बदलता, लेकिन यार अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आकर अपने कपड़े बदल लेता हूँ, अपना बैग मैंने जो पीछे रखा था उसको भी लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फटाफट से मैंने अपने कपड़े जो है बदल लिए हैं। अब मैं यहाँ से ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से एग्जिट हो सकता हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये लोग मेरे को पहचानेंगे नहीं, ये लोग पहचानेंगे बट यार इनको लगेगा कि ये नॉर्मल ग्रुप सिक्स टीम का कोई बंदा होगा। अब देखो यार जो ग्रुप सिक्स है ना वो इनके साथ से यार सालों से काम करती हुई आ रही है, तो उसके ऊपर ये इतनी ज़्यादा इजीली शक नहीं कर सकते। बट यार इनको ना थोड़ा सा शक हुआ था इस वजह से क्योंकि ना वहाँ से मैंने बहुत सारे हीरे भी उठाते हुए शायद से इन्होंने कैमरे में देख लिया होगा। तो अभी फटाफट फिलहाल मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका हूँ और यहाँ पर ना बाहर की तरफ में कुछ पुलिस है जो कि भाई मुझे देख सकती है। तो ये देखो भाई यहाँ पर ना पुलिस तो आई है, इन लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया भाई, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और सामने की तरफ में ना गोलियाँ भी चल रही है और देखो यार सारी पुलिस उधर चली गई और यहाँ पर पुलिस वालों का ट्रक लेकर मैं निकल लेता हूँ। चलो भाई बहुत बढ़िया, पुलिस जैसा बढ़िया बंदा कोई मेरे को अभी तक दिखाई नहीं है। यहाँ पर मैं सायरन भी बजाऊंगा ताकि मेरे को रोड भी पूरा का पूरा खाली मिले। अभी फटाफट ना यहाँ से मैं इस गाड़ी को लेकर चल लेता हूँ सीधा नीचे। भाई यार सच्ची में मजा आ गया, लेस्टर का जो प्लान है ना भाई बहुत ज़्यादा ओपी है, मतलब कि अगर लेस्टर चाहे तो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को ना चुटकियों में लूट सकता है। तो भाई साहब यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी को ना बहुत ही ज़्यादा आराम से राइट लेना है, फिर अपना पूरा पूरा अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से ये वाला ट्रक जो है मैं लेकर निकल लेता हूँ सीधा माउंट शील यार्ड के लिए। वहाँ पर ना ये सारा का सारा जो भी मतलब कि पेंटिंग्स मैंने चुराई है ये ना मुझे बिग माफिया के बेटे को नहीं देनी, ये सारी की सारी पेंटिंग्स मुझे देनी है बिग माफिया के भाई को। मतलब क्या यार इसका पूरा का पूरा परिवार ही इतना बड़ा गैंगस्टर है, इतना बड़ा माफिया, एक के बाद एक बंदा जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हुए जा रहा है। तो अभी चल कर देखते हैं कि आखिरकार बिग माफिया का भाई कौन है, यानी कि जो उसका अंकल है वो कौन है। तो अभी फटाफट से निकल लेते हैं सीधा माउंट शील यार्ड के लिए। अब यार मुझे ना हाईवे से जाना चाहिए था और अगर मैं इस रोड से जाऊँगा शॉर्टकट तो पड़ेगा, बट यार बहुत ज़्यादा मतलब अजीब अजीब से रास्ते हैं तो हो सकता है पहुंचने में टाइम लग जाए। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए थे सीधा माउंट शील यार्ड पहुंचने वाला हूँ। और गाइस यार देखते ही देखते ना यहाँ पर शाम इतनी जल्दी होगी पूछो मत, वैसे शाम जल्दी नहीं हुई है, ये वाला जो ट्रक है ना यार बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, इसलिए ना मेरे को माउंट शील यार्ड में आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो भाई सब जी पहले आप निकाल लीजिए फिर मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा। तो चलो भाई यहाँ पर ना इतनी सारी लकड़ियाँ लोड करके ले जा रहा है बंदा, भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार पहाड़ों पर गाड़ियाँ चलाना, मेरे को पता है ना मतलब नॉर्मल
नॉर्मल ऑफ रोड व्हीकल तुम चला लोगे, लेकिन जब इस टाइप के ट्रक चलाने होते हैं ना जिनके टायर छोटे होते हैं उनमें बहुत दिक्कत होती है। और गाइस यार ये देखो ये माउंटेन लायन है, मेरी गाड़ी देखकर भाग रहा है। पहले ना मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी यार मैं पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ व्हीकल में बैठा हूँ तो डरने की कोई बात तो है नहीं। तो अभी फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर शायद से ना अभी ये आया नहीं है तो मेरे को ना इसका थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी फटाफट से सीधा हम लोग यहाँ पर चलते हैं और उसका सारा का सारा कैश जो है मतलब कि सारी की सारी पेंटिंग डिलीवर कर देते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, थोड़ा बहुत वेट करने के बाद यहाँ पर जो बिग माफिया का भाई यानी कि बिग माफिया के बेटे के जो अंकल है जिनको हमें सारी की सारी पेंटिंग्स ले जाकर देनी थी, वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लेकर आ चुका है। और वो आया था इस ग्रीन वाली कार में और ये बाकी सारी सिक्योरिटी की कार है। और ये जो सिक्योरिटी है ना ये मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत ना जानी पहचानी सी लग रही है। चलो यार चलकर देखते हैं आखिरकार बिग माफिया का भाई कौन है, मतलब कि ये वाली जो सिक्योरिटी है ना ये लास्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट पर देखी थी जब वहाँ पर हम लोग अपने डायमंड बेचने के लिए गए थे। फिलहाल मेरे को इस तरफ में जाना है और आगे की तरफ में बिग माफिया का भाई है। भाई मेरे को देखना आखिरकार है कौन, तो ये जो बंदा फिलहाल यहाँ पर तो कोई भी नहीं खड़ा है। ओ भाई साहब ये तो वही बंदा जिसको हम लोग अपने 500 मिलियन डॉलर के डायमंड बेच कर आए थे, मतलब कि यार वो बिग माफिया का भाई है। कितना अंधा पैसा भाई इन लोग को। अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं इनको सारी की सारी पेंटिंग्स देता हूँ और अभी फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल बिग माफिया के भाई को मैंने जो है बैग दे दिया है जिसके अंदर सारी की सारी पेंटिंग थी और जितने भी डायमंड जितना भी गोल्ड था वो मैंने बाहर निकाल लिया था। और यहाँ पर इसके पीछे वाले बंदों को देखो मेरे ऊपर कैसे निशाना लगा के बैठे हुए हैं। तो अभी ना मैं फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ वरना कभी मेरे से अगर गड़बड़ वड़बड़ हो जाएगी तो ये लोग मुझे कहीं मारना ना शुरू कर दें। तो अभी जिस रास्ते से आया था मैं उसी रास्ते से वापस जाऊँगा, मैं दूसरे रास्ते से क्यों जा रहा हूँ भाई, पता चले कहीं और ही निकल गया। अभी फटाफट ना यहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा निकल लेता हूँ माउंट शिलियार्ड के लिए जहाँ पर उन्होंने लेस्टर को किडनैप करके रखा हुआ है, लेस्टर और साथ में ट्रेवर को। तो अभी चलकर देखते हैं क्या वो उन्हें छोड़ेगा या फिर नहीं छोड़ेगा। तो यार देखो बिग माफिया के बेटे ने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरे लिए एक काम करोगे तो मैं लेस्टर को छोड़ दूंगा और अगर तुम मेरे लिए दूसरा वाला काम भी करोगे तो वो ट्रेवर को भी छोड़ देगा और माइकल को भी छोड़ देगा। खैर देखो यार माइकल तो अभी भी आजाद ही है, वो चाहे तो अभी भी भाग सकता है, अपना भेस बदल के रह सकता है, छुप सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यार यहाँ पर लेस्टर और ट्रेवर बहुत ही बुरी तरह कैद है तो उनको छुड़ाना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भी यार कुछ भी हो जाए मैं उनको छुड़ाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। तो भी फटाफट हम लोग निकल लेते हैं सीधा माउंट शिलियार्ड के लिए, मतलब वाली जो टनल है उस जगह के लिए। माउंट शिलियार्ड नहीं जाना हमें, बस उस टनल में जाना है। बाकी यार वो जो टनल है ना थोड़ा सा आगे पड़ती है और यहाँ पर ये लायन है, क्या लायन नहीं है ये हिरन है भाई साहब। यहाँ पर ना लायन भी बहुत सारे घूमते रहते हैं। ओ भाई सॉरी भाई ये खुद ही मेरी गाड़ी में आके भिड़ गया, मैं अपना साइड चला रहा था। शिट यार वैसे उसके ज़्यादा तेज नहीं लगी है, हल्की थोड़ी सी टक्कर लगी है तो वापस अभी थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा। बाकी तो यार मैं अपना सीधी गाड़ी चला रहा था, मतलब सीधी चला रहा था उसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी साइड में ली कि इसे टक्कर ना लगे, लेकिन वो फिर भी मेरी गाड़ी में आके ठुक गया। तो चलो भाई अभी फिलहाल मैं उसी खुफिया टनल में आ चुका हूँ और यहाँ पर ना अभी जल्दी से मुझे इस जगह के अंदर एंटर होना है। यहाँ पर अगर मैं हॉर्न बजाऊँगा ना तो ये लोग शायद से मुझे पहचान जाएंगे, इन्होंने बोला था मेरे को। फिलहाल यहाँ पर भी मैं आ चुका हूँ। तो ये जो जगह है ना आप लोग ये जो मतलब कि बॉक्स देख पा रहे हो अलमारी टाइप, तो ये ना साइड हट जाती है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भी ना पहले इन्होंने टनल को दोनों साइड से बंद करा ताकि किसी को भी ना मालूम ना पड़े कि यहाँ से अंदर रास्ता जाता है और अब मैं अपनी गाड़ी को अंदर ले जा सकता हूँ। मतलब कि यार बिना टनल बंद करे ये लोग ना यहाँ का रास्ता खोलते ही नहीं है। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर खड़े कर देता हूँ और फटाफट से ना इनकी गाड़ी लेकर मैं निकल लेता हूँ थोड़ा सा आगे के लिए। वैसे ना ये लोग अभी मेरे को कुछ नहीं कहने वाले क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को जानने लग गए हैं। तो चलो गाइस अभी फटाफट से इनकी गाड़ी को मैं पीछे करता हूँ और यहाँ से सीधा इसे भगा कर निकल लेता हूँ सीधा बिग माफिया के बेटे के पास। अब यार ये जो टनल है ना बहुत ज़्यादा लंबी है तो इसलिए मैं भाई बिल्कुल एकदम भगाने वाला हूँ फुल स्पीड में क्योंकि यार मेरा पूरा हाथ बैठ चुका है इस टनल पे। तो चलो गाइस फाइनली अब जाकर ये जो टनल है खत्म हुई है, मतलब कि यार गाड़ी भगाते बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और अभी ना जल्दी से मेरे को बिग माफिया के बेटे को बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी देनी है, मतलब कि जिस काम को करने में उसकी टीम 2 से 3 बारी फेल हो गई उस काम को लेस्टर मैंने एक ही बार में कर दिया। और यार बिग माफिया का बेटा है कहाँ पर, आगे से पता नहीं किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो गाइस यार देखो उस तरफ में बिग माफिया का बेटा खड़े होकर तालियां बजा रहा है। और यार यहाँ पर ये जो गेट हुआ करता था जिसके अंदर लेस्टर होता था उसको इन्होंने बंद कर दिया। अबे क्या सीन है, एक सेकंड हटो सब लोग। ओ भाई साहब यहाँ पर तो ये ट्रेवर को मार रहे और ये ताली बजा रहा है, भाई ये चीज मैं नहीं देख सकता तेरी ऐसे की तैसी। ओ भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन अभी तुम्हारी भैंस के डंग किसी को नहीं छोड़ूंगा, हट भाई कोई नहीं मारेगा यहाँ पर ट्रेवर को, ठीक है ना। अभी इसके पड़ेगी भाई मेरे को, इन्होंने चढ़ा दिया बहुत ज्यादा गुस्सा। भाई साहब ये तो सारे के सारे गुस्से में आ गए हैं। ओ भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, और यहाँ पर अभी भाई एक सेकंड तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग
यहाँ पर देख पा रहे हो भी ना, इन सब ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया है और बिग माफिया के बेटे ने ना चाकू निकाल लिया है। मतलब कि ना उन्होंने इन बंदों को मना कर दिया कि ना इसके गोली नहीं मारनी, माइकल को जिंदा रखना है, इसीलिए ना ये लोग मेरे गोलियां नहीं मार रहे। बट यार देखो, तुम मेरे गोलियां मार भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इनका एक भी बंदा गन ले आया ना तो मैं सिर्फ एक को मार के गन लूंगा और यहाँ पर सबकी रेल बना दूंगा। भाई साहब ये देखो, तो गाइस यार अभी ना इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पर जितने भी है ना सबको मारूंगा। लेकिन यार ये बहुत सारे हैं, जब ये सारे मिलके मारते हैं ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये लोग ना माइकल की ताकत का अंदाजा हो भाई, मैं गिर गया। क्योंकि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भी ना, यहाँ पर सबने मिलके पहले माइकल को गिराया, फिर उसके बाद भाई मिलके मारना शुरू कर दिया और भाई बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दिया है। और जो बिग माफिया का बेटा है ना, वो कह रहा है कि बस इसे जिंदा मत मारना, क्योंकि ना अभी इससे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करवाने हैं। तो भाई इसने कहा था कि एक काम करने के बाद ये लेस्टर को छोड़ देगा, तो इसने यार लेस्टर को तो छोड़ा नहीं, उल्टा ये उसको बहुत ही बुरी तरह मार रहा था। मेरे को तो लग रहा था जिंदा मार देगा, इसीलिए मैंने उसे जाकर बचाने की कोशिश करी। बट यार अभी तो बहुत ही ज्यादा उल्टा सीन हो गया है, तो अभी ना इसको हमें हाँ बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम तेरा दूसरा भी काम करेंगे, तभी हमें यहाँ से जाने देगा। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भी ना, मैंने बिग माफिया के बेटे को हाँ बोल दिया कि भाई मैं इसका दूसरा काम भी कर दूंगा, और अगर देखो हम लोग इसका दूसरा काम नहीं करेंगे तो ये यहाँ से हम लोग को जाने भी नहीं देगा, तो उस काम को भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार इसने बोला था कि अगर मैं इसका एक काम करूंगा तो लेस्टर को छोड़ देगा, बट यार ये तो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। खैर छोड़ो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना हमें कुछ भी करके इसका दूसरा काम भी करना पड़ेगा, तब जाकर ये हम तीनों को यहाँ से जाने देगा। तो चलो गाइस यार आज के इस वाली वीडियो में इतनी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग जल्दी से आकर इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ ओनली 500,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है अभी के अभी। सभी लोग जो न्यू है जाओ और सब्सक्राइब बटन दबा दो। और जिसने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।